स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए गर्व का दिन है। इसी दिन 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी तथा पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे देश में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत का यह 78वां स्वतंत्रता दिवस है, जो कि सिर्फ एक दिवस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिवस वीर सपूतों के बलिदान, अदम्य साहस और संघर्ष का प्रतीक है। यही वजह है कि इस दिन स्कूलों से लेकर कॉलेजों व कार्यालयों में भारत के वीरों को याद किया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। कड़ी में मलिहाबाद क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध MPB सीनियर पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उन्नाव क्षेत्र के MLC रामचंद्र सिंह प्रधान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता प्रधान, उनके बेटे और बहू प्रत्यूष प्रधान एवं प्रभा प्रधान और लोक गायिका डॉक्टर जानवी पांडे मौजूद रहे। सभी लोगों ने मिलकर ध्वजारोहण किया तथा छात्र छात्राओं एवं मौजूद अभिभावक तथा विद्यालय परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अत्यंत ही मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्रीमती अनीता प्रधान ने सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। क्योंकि हमारी एक आदत नहीं है कि किसी को 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए जोड़े, पूरी उम्र जिंदगी भर सबके साथ में रहने के लिए, इसीलिए हमने MPB पब्लिक स्कूल परिवार बनाया, जो पहले तो केवल 12th तक का था। आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं पूरे देश के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं और सबसे कहता हूं कि सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज 78 साल मेरे देश को आज़ाद में हो गया और इन 78 सालों में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदलना और ज़रूरी था जो नहीं बदल सका। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो प्रयास है कि इस देश को 2047 तक जब हमारा देश 25 साल अपना आज़ादी का मना रहा हो तो ये देश दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश हो। जैसे आज से 500 साल पहले हमारा देश भारत दुनिया का माना जाना नंबर 1 देश कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, तो उस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रयास है उस पर सहयोगी सारे पूरे देश के एक प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए
इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि हमारा देश 2047 तक दुनिया का नंबर एक देश बन सके। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से वो अपील करता हूँ। कॉलेज चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है और इस ग्रामीण क्षेत्र में ये कॉलेज बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो बहुत सारे अभिभावक बहुत सारे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय हैं गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को बड़ी लंबी चौड़ी फीस दे करके अच्छे कॉलेजों में नहीं पढ़ा सकते उनका उन बच्चों को भी जो हम गांव प्रवेश चूँकि मैं भी यहीं का पढ़ा लिखा हूँ यहीं पैदा हुआ यहीं पढ़ा ये हमारी जन्मभूमि है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि जो गाँव के बच्चे जो गरीबों के बच्चे जो अच्छी एजुकेशन नहीं पाते उनको हम एक अच्छी एजुकेशन दें अच्छा स्कूल बना करके तो ये मेरा इसका उद्देश्य था। हमारे बच्चों ने आपने देखा होगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ के अध्यापकों ने खासकर हमारी पत्नी अनिता जी ने बहुत इसमें मेहनत की और हमारे पूरा परिवार इसमें लगा रहता है धनी है और हमारा बेटा भी लगा रहता है और उसके लिए हमारा यही सतत प्रयास है कि यहाँ के बच्चे अच्छा आज आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं बहुत अच्छी एजुकेशन की बहुत पढ़ाई में भी बहुत नंबर वन हो रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े स्कूलों से कंपटीशन इस एलपीजी गवर्नमेंट स्कूल का हो ये मेरा प्रयास है। ठीक है धन्यवाद। आज छोटे बच्चों के लिए फ्लैग होस्टिंग थी फिर उसके बाद उनके कुछ कल्चर प्रोग्राम थे जो बच्चे अपने काफ़ी दिन से तैयारी पे लगे थे प्री प्राइमरी से लेके सीनियर इंटर तक का हमारे बच्चे तो जिसमें उनके कुछ देशभक्ति पे गाने भी थे प्लस डांस भी थे और कुछ बच्चों ने स्पीच दी थी और कुछ ने कोटेशन बोले थे अपने कुछ बच्चों का प्रतियोगिता हुई थी उसमें कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन असल में यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी 10 बच्चे का प्रोग्राम था वो जो जिसमें सर्टिफिकेट मिला था। वैसे अक्सर प्रोग्राम गवर्नमेंट कराती रहती हैं तो वो हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी जैसे आपका ओलंपियाड होने वाला है हिंदी में उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे अक्टूबर में आएगा तो जैसे जैसे आते हैं ये इसमें 10 बच्चों को हमारे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया था तो वो आज डिस्ट्रीब्यूट हुए। हम युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे किस प्रबंधन का वो तो आपने जैसे सुना ही होगा प्रोग्राम में हमारे बच्चे ऑलरेडी देशभक्ति के लिए बहुत वो रहते हैं एक्टिव चाहे प्रोग्राम के थ्रू हो चाहे स्पीच के थ्रू हो चाहे वैसे भी आप उनके व्यूज सुनिए और हम चाहेंगे कि जैसे आज की डेट में उस समय भगत सिंह जी ने अपनी जान गंवा दी छोटे छोटे से उम्र में ही अपने जान के लिए नहीं सोचा तो सब बच्चों में होना चाहिए और ये खाली एक बच्चों का जज्बा नहीं होना चाहिए वो पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए और टीचर्स भी हो गए कोई भी हो आप हर फील्ड में रह के अपने बच्चों को तैयार कराइए। जैसे हस्बैंड ने स्पीच में एक शब्द बोला था बच्चों को कि आप अपने पेरेंट्स को या सड़क में चलते किसी भी इंसान को जो गंदगी कर रहा हो उनसे कहिए कि सर आपने ये गलत किया अंकल आपने तो रैपर उठाइए आपको डस्टबिन में डालिए। तो हम धीरे धीरे अगर बच्चों को सिखाएंगे तो सब बच्चे सीखेंगे है क्योंकि हम लोग अपने एफर्ट डाल नहीं रहे हैं तो उनके पास तक जा नहीं रहा है। हम अपने कल्चर को अगर उनको बताएंगे नहीं तो कहाँ से सीखेंगे। हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स ने अगर हमको इतना सिखाया तो हम अपने बच्चों को उसका 75% दे पाएंगे लेकिन अगर सिखाएंगे ही नहीं तो फिर बाद में हम चीज़ों के लिए रोते हैं कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है हमारे बच्चा जैसे कई आप लोग तो रिपोर्टर हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि क्राइम ज़्यादा बढ़ गया। एक अभी हाल ही में परसों हमने पेपर में पढ़ा कि एक लेडी को सड़क पार कराने के लिए एक लड़के ने उनका हाथ पकड़ा कि चलिए हम आपको क्रॉस करा दें उसके बाद उनकी झटके से चेन खींच के भाग गया तो गलत है ये सब चीज़ें। हमने क्या है हम अपने बच्चों को उनको अभी जब सिखाएंगे इन चीज़ें तो भाई चाहे देशभक्ति के लिए हो चाहे एक पेरेंट्स की आपको इज्जत करना हो तो ये सब चीज़ें हम लोगों को सिखाना चाहिए। ये मॉरल साइंस पहले से ही बनी थी तो ये शिक्षा माँ बाप ऑलरेडी देते थे घर पे तो रिस्पेक्ट करना तो सिखाना चाहिए तो चीज़ें अपने आप ही आने लगेंगी सब कुछ। एक दिन देशभक्ति ना लेके आए 365 दिन देशभक्ति रखें